Yes, guys. Now, question number 9 and 10. Let us take question 9. So, answer आपका 8 का हमने निकाला 175 cubic centimeter. अब आते हैं question number 9, 10 के पास. Question number 9 and 10 are of what kind? Let me check them and before that, let me clean this. Let me clean the board. Okay. Let me first clean the board and after that, I'll take that. Yes guys, question number 9, देखते हैं इसमें क्या given है आपको, let me write here, given, question number 9, क्या कहते हैं, कहते हैं the radius of base of a cone is 10 meter, alright, radius if the height of the cone is 24 meter, what will be the cost of painting the surface area of the cone? Of the cone, its surface area of the cone at the rate rupees 0.1 per square meter. This is okay. Let us take what is given. A cone with radius of the base, with the radius of its base as how much? 10 meters. The radius of the base of a cone is 10 meters. As 10 meter. Base 10 meter. This is 10 meter. As 10 meter. 10 meters. Okay. First thing, height kitna hai. And if the height of a cone is 24 meter, its height is 24 meters. Is 24 meters. चलिए सर ये दिया हुआ है टू फाइंड सेकंड थिंग देन व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट टू फाइंड हियर टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ ओके 24 व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द सरफेस एरिया ऑफ द कोन एट रुपीस दिस मच स्क्वायर मीटर सरफेस एरिया टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द सरफेस एरिया cost of painting the surface area of the surface area means curved surface area at the rate of rupees 0.1 per meter square this is square meter per square meter पर स्क्वायर मीटर ये आपको निकालना है पर स्क्वायर मीटर चलिए सर सॉल्यूशन देखिए दिस इज द सॉल्यूशन वी आर फाइंडिंग आउट सॉल्यूशन सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया क्या होता है किसी कोन का पाई आर एल होता है पाई आर इनटू एफ स्लेंट हाइट कौन हमें स्लेंट हाइट नोन नहीं क्योंकि हाइट गिवन है और उसका रेडियस दिया हुआ है द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज 10 मीटर ओके तो सबसे पहले हम स्लैंट हाइट निकाल लेते हैं ये आपका कोन या मैं कोन बना लेता हूं ये आपका कोन हो गया जी सबसे पहले कोन की हाइट आपको दिया हुआ है 24 मीटर ठीक है जी रेडियस दिया हुआ है 10 मीटर लेकिन हमें स्लैंट हाइट नोन नहीं है ये स्लैंट हाइट एल इज टू बी कैलकुलेटेड देखते हैं कितनी आती है अब हम जानते हैं स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस इट्स रेडियस आर स्क्वायर दिस इज एल इक्वल टू देयरफॉर एल इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच मींस 24 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर 24 स्क्वायर कितना होता है भाई
checking, multiply here 24 into 24 by algebraic math, by basic mathematics, 4 for the 16, 6, 1 carry. I know that 596 hota hai, lekin abhi multiply kare dikhte hain. 4 to the 8 and 4 to the 8, 576 hota hai. This is 7. Okay, 4 for the 16, 6, 1 carry, and 4 to the 8, 4 to the 8, 8 to the 16, 1, 17, 7, 1 carry, 2 to the 4 and 1, 5, 576. We have 576 plus 100, plus 100, 10 ka square. Total value kitni aagi bhai, is square root ke andar, 676. Is 676 meters, kyunki centimeter meter, meter mein hai, aur meters mein hai. ये एम मीटर आ गया, ठीक है जी, मीटर्स. अभी इसकी वैल्यू कितनी आती है स्क्वायर रूट निकाल के वो देखते हैं. स्लेंट हाइट की जो वैल्यू है हम यहाँ निकाले हैं, एल इज इक्वल टू देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 576, वो होता है 26 मीटर्स. इसका स्क्वायर रूट 26 मीटर्स होता है. कैसे, चलो हम निकाल के दिखा देते हैं भाई. स्क्वायर रूट 576 को आपने स्क्वायर रूट निकाला, 2 से पहले मल्टीप्लाई किया, 2 टू जो 4, ये 4 होता है, बचा कितना 176. यहाँ हमने 4, 2 प्लस 2 4 होता है, 4 आपने यहाँ लिख दिया. 6 अगर आप यहाँ लिखते हैं, 6 यहाँ लिखते हैं, मल्टीप्लाई कर दिए 6 से, 6 6 जो 36, 6 3 कैरी, 6 4 जो 24 एंड 3 27, सॉरी यहाँ पर 2 टू जो 4 था, 676 हो रहा था, ये 576. सॉरी ये 676 था, क्योंकि 576 तो पहले ही था, 100 ऐड करने पर 676 हो रहा था, इसलिए 2 बचता है यहाँ पर. सॉरी ये हुआ 6 4 जो 24 प्लस 3 27, पूरा पूरा आ गया. और ये माइनस साइन 0, ये 0 बचता है, इसका मतलब 26 इसका स्क्वायर रूट है. सॉरी फॉर दिस गाइस, क्योंकि 676 है नॉट 576, तो 24 का स्क्वायर ही होता था, ठीक है, 576 एंड 625 होता है, 25 का इसका मतलब सही था. तो ये 676 26 का स्क्वायर होता है, इसलिए 26 इसका स्लेंट हाइट है. इसलिए व्हाट इज सरफेस एरिया, देयरफॉर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द कोन, सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज इक्वल टू पाई इनटू आर इनटू एल, मीटर स्क्वायर, स्क्वायर मीटर और मीटर स्क्वायर. पाई मीन्स 22.7, आर, आर कितना दिया हो भाई, 10 मीटर बेस का एरिया, रेडियस 10 मीटर, इनटू एल अभी 26 आ गया आपका, ठीक है जी. 7 से डिवाइड करना, आप इसको 3.14 लिख देते हैं, इजी रहेगा उससे. 3.14 हमने पाई की वैल्यू ले ली, इसमें पाई मीन्स 22.7 बट इट इज 3.14, 10 से मल्टीप्लाई किया तो 31.4 हो गया, ठीक है. इसको हम एरिया निकालते हैं, ये टोटल एरिया था, इसको रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, 0.1 है, इसे टोटल कॉस्ट ही निकाल देते हैं डायरेक्टली. देखिए, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स सरफेस एरिया, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स सरफेस एरिया, इट्स सरफेस एरिया इज इक्वल टू एरिया means curve surface or surface area, area means surface area, curve surface area, into rate of painting. तो ये आपका आंसर आया, हमने ये निकाला 3.14 into 10 था, let me take 31.4, क्योंकि ये हो गया 31.4, let me write clearly 31.4 into 26, okay, divide into multiplied by 0.1, that means 1/10, ये रुपीज में आंसर आ गया. चलिए रुपीज में आंसर निकालेंगे, ये क्वेश्चन आपका आता है, अपॉइंट हमने दोबारा फिल कर दिया, फिर 3.14 हो गया भाई, ये 3.3 से 10 से आपने ये पॉइंट यहाँ लगा दिया, फिर तो ये आ गया 3.14 इंटू 26, चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये होगा 3.14 इंटू 26, एक जीरो यहाँ लगा देते हैं, थ्री डिजिट्स का हम बना लेते हैं,
क्योंकि एल जो बैटिक मैथमेट सिंपलीफाई करने के लिए हम डिजिट्स का नंबर सेम बना लेते हैं, जीरो हमने पहले लगा दिया 26 पे, पहले ये 3 डिजिट हो गया, ये भी 3 डिजिट हो गया, मल्टीप्लाई कर देते हैं पॉइंट लगा देंगे, दो के बाद डेसिमल 6 4 24 4 2 कैरी 6 1 6 4 2 8 6 एंड 8 14 14 प्लस 2 16 6 1 कैरी 6 ओके देन अभी हमने दो लिया थे, ये किया था, अब 3 लेते हैं, 6 3 18 4 0 0 and 2 1 2 18 and 2 20 6 3 18 and 2 1 2 so 2 and 18 20 what 20 plus 2 22 22 plus 2 2 carry क्योंकि यहाँ था 6 4 6 4 4 2 carry 6 1 6 4 2 8 sorry 14 14 and 2 16 हुआ था 1 carry था I'm sorry it was 1 carry तो 21 हुआ, 20 plus 1 21 अब 2 carry हुआ, तो 2 से 3 2 जा 6 1 0 0 only 6 6 plus 2 6 plus 2 8 ये वैल्यू आ गई। ओके अब दो हमने ले लिया, एक के बाद 3 भी 0 0 होता है तो इतनी वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये आ गया 81.64 ठीक है, दो के बाद डेसिमल रुपीज 81.64 ये आंसर है इसका ठीक है। एक बार देख लीजिए फिर 26 में पैक करने पर 3 टाइम्स एक्चुअली 26 3 या 81 के आसपास ही आएगा, अच्छी ठीक है 81.64 आंसर रुपीज में ये आंसर हो गया। ये था टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इनर सरफेस ऑफ द कोन राइट, ये आंसर है इसका 81.64। चलिए इस क्वेश्चन को हमने किया, ये है 9th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो 10th क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 9th आपका ये हो गया था और ये 8th था, 9th 10th क्वेश्चन देखिए, कहते हैं ए कोनिकल बेसल ऑफ 5 सेंटीमीटर रेडियस एंड 24 सेंटीमीटर हाइट ओके इज फिल्ड विद वाटर ठीक है जी, is filled with water. The water was poured into a cylindrical vessel of radius 10 cm. Right? Then what will be the height of the water in the vessel, in the cylindrical vessel? Simple. Volume of the water in both must be same. It means volume of the cylinder must be equal to volume of the cone in this case. Okay, water down on same level, same volume ka hoga water ka volume in the volume of water इन द कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलेंडर, दोनों का इक्वल करके हाइट हम निकाल सकते हैं। देखिए क्या है व्हाट इज गिवन, क्वेश्चन नंबर 10 ये कहते हैं इज गिवन टू अस, गिवन है एक कोन, एक कोनिकल बेसल फिल्ड विद वाटर filled with water having a radius of the base, how much? Conical vessel of 5 cm radius, okay, having 5 cm and the height or its height and its height is equal to 24 cm and height 24 cm. Then the water is poured. Then this water is poured into a cylindrical vessel. With radius. How much? 10 cm. With radius of the base 10 cm. To find what is the height of the cylindrical vessel? To find the height of the cylindrical vessel. That is the point here. सॉल्यूशन देखिए,
volume of water in the conical vessel is equal to volume of water in the cylindrical vessel. दोनों का वॉल्यूम इक्वल कर देते हैं भाई, तो हाइट मान लेते हैं सिलेंड्रिकल वेसल की हाइट हमें निकालनी है, मान लेते हैं वो एच हाइट है, देयरफॉर और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो कौन क्या है भाई, वेसल वाटर का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 1.3 पाई इनटू आर स्क्वायर, उसका आर कितना है, लेट मी टेक आर वन स्क्वायर इनटू एच वन, ये कौन का है और उधर पाई आर टू स्क्वायर इंटू एच टू, ये सिलेंडर का वॉल्यूम है सेकंड पार्ट में, देयरफॉर एच टू आपको फाइंड करना है, एच टू गिवन नहीं है, एच वन की वैल्यू दी हुई है, तो हमने ये क्या आएगा यहाँ से पाई तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है जी, ये हो गया आर वन स्क्वायर इंटू एच वन अपॉन नीचे थ्री तो पहले से था ही, थ्री इंटू आर टू स्क्वायर आ गया नीचे, तो ये एच टू की वैल्यू आ जाएगी, आर वन कितना भी 5, रेडियस 5 सेंटीमीटर था उसका, कोन का 5 इंटू एच वन था 24, ये हाइट ऑफ दी कोन था, कोनिकल वेसल की हाइट 24 सेंटीमीटर थी, वो हमने ऊपर रख दिया, ऊपर क्या है वॉल्यूम ऑफ द कोन है डिवाइड बाई एरिया ऑफ द जिस बेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, तो हमने लिखा 3 क्यों नीचे आ रहा था 1.3 था ना, इधर 3 नीचे है इंटू आर टू स्क्वायर मीन 10 इंटू 10, क्योंकि आर टू की वैल्यू रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल 10 है, इसलिए ये आ गया, देयरफॉर हाइट ऑफ द वाटर लेवल इन द सिलेंड्रिकल वेसल, और हम कह सकते हैं कि हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना होगा है ना, इन द सिलेंड्रिकल वेसल इक्वल टू आ रही है 5 इंटू 5 इंटू 24 डिवाइड बाई 3 इंटू 10 इंटू 10, ये वैल्यू है 10 इंटू 10, तो 5 से हमने काटा 5 टू द 10 नाउ 3 4 जा 12 2 जा 24, तो और 4 से हम कह सकते हैं 4 6 24 3 2 6, चलो 2 सेंटीमीटर है 2 सेंटीमीटर उसका हाइट आ जाती है, देयरफॉर हाइट ऑफ द वाटर इन द वेसल इन द सिलेंड्रिकल वेसल और हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल इज 2 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द वाटर इन द वेसल राइट, देयरफॉर हाइट ऑफ द वाटर इन द वेसल द सिलेंड्रिकल वेसल विल बी 2 सेंटीमीटर, ये आंसर है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इज 2 सेंटीमीटर आया 2 सेंटीमीटर, अभी आपने देखा यही आंसर है 2 सेंटीमीटर, मैं इसको दोबारा लिखा हूं, क्योंकि यहां से 5 इंटू 5 क्योंकि आर वन स्क्वायर था 5 रेडियस ऑफ द कोन 5 था 5 आर स्क्वायर इंटू एच एच 24 था डिवाइड बाई 3 इंटू आर टू स्क्वायर ओनली आर टू स्क्वायर रेडियस ऑफ द सिलेंडर वो 10 था 10 सेंटीमीटर दिया हुआ था रेडियस ऑफ द बेसिस 10 सेंटीमीटर राइट, तो ये आंसर है, इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं पूरे, ठीक है जी। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्फीयर एंड हेमीस्फीयर, क्योंकि अभी हमने ये सिलेंडर एंड कोन ले लिया, अब आएगा स्फीयर एंड हेमीस्फीयर, ठीक है, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हम लेंगे नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में, 2 लेक्चर सीरीज लेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन क्वेश्चन सभी को सॉल्व करना मुश्किल मतलब ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हम 12-13 जो भी क्वेश्चन ऊपर आ जाते हैं वो हम ले लेते हैं, 2 एक्सरसाइज करते हैं, 2 लेक्चर सीरीज में कवर करेंगे कम्प्लीटली, स्फीयर और हेमीस्फीयर से रिलेटेड टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन क्वेश्चन हैं हमारे पर नोटेड, उनको सभी को मैं यहाँ दूंगा, उनमें से जो इंपॉर्टेंट हैं जो कि टॉपिक को अच्छी तरह से इलस्ट्रेट कर सकते हैं, दे कैन एक्सप्लेन द टॉपिक इन डिटेल, ओके, सो दैट द नॉलेज ऑफ depth of knowledge can increase in one's mind after going through my lecture series. Okay, then see you in the next lecture series. फिर मिलते हैं आपसे, तब तक see you then. Okay, bye.